नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। कि बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और जिसमें पूरे पटना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आप लोगों ने पहले देखा, इससे पहले 350वां की प्रशासन था, वहाँ से इसको पैमाना हर साल बढ़ा ही है और इस बार भी हम लोग इसमें तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार जितने भी रोड पर हम लोग की ड्यूटी रहती है, गुरुद्वारा की सिक्योरिटी, लंगर की सिक्योरिटी, नाइट पेट्रोलिंग, हाईवे पेट्रोलिंग, उसके बाद आपका हेल्प डेस्क की व्यवस्था, उसके बाद आपका स्वास्थ्य व्यवस्था, फायर सेफ्टी, रिवर फ्रंट है उसकी सेफ्टी, सब जगह पर हम उचित पैमाने पर व्यवस्था कर रहे हैं। अतिरिक्त भी बल मंगाए जा रहे हैं कि जिला से बाहर से आएंगे, बढ़िया अधिकारियों का भी डिप्लॉयमेंट बाहर से हम लोग करवाएंगे और पूरी पुख्ता व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने आज यहाँ बैठक किया है कि कोरोना को देखते हुए सीमित स्तर पर करने का हम लोगों ने सुझाव दिया है, समिति भी सहमत है। और उसके अलावा जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य शिविर वगैरह जो लगाने की बात है, वो हम लोग करेंगे। साफ सफाई की बात है, प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जानी है वो हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया है उसको सीमित स्तर पर बनाया जाए। कितने श्रद्धालु के आने की संभावना है सर? नगर कीर्तन भी निकलने वाला है, छोटे स्तर पर निकलेगा। इसमें जैसे बच्चे शामिल होते थे हर साल, इस बार बच्चों को निशानित किया है और छोटे स्तर पर ही निकाला जाए। कोरोना उसकी दवाई उसको फॉलो करते हैं छोटे स्तर पर। कितने लोग की संभावना आने की सर यहाँ पर? इस बार लोग बता सकते हैं बोले पिछले बार कितने लोग थे, उसका 1/3 एक तिहाई जो है उम्मीद है लोगों को। और हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया है कि इसका लाइव टेलीकास्ट उसमें भी किया जाए, लोग घर बैठे देख सकें सारे कार्यक्रम। और यहाँ भी LED वगैरह लगाया जाए बड़ी संख्या में, ताकि एक जगह पर भीड़ भाड़ नहीं। पहले आप द्वारा किया जाए, हम लोग CCTV कैमरा वगैरह जो लगाते हैं उसको हम लोग असेसमेंट कर लें, क्योंकि ट्रेनों का भी परिचालन कम हो रहा है। असेसमेंट कर लें और वो अगर रिक्वेस्ट करें हम लोग उसका पूछा। क्या आज आपने कंगन घाट और कहाँ कहाँ निरीक्षण किया जाते हैं? हम लोगों ने गुरुद्वारा दोनों गुरुद्वारा को देखा, कंगन घाट भी देखा और आरोपी के पास हम लोगों का पार्किंग स्थल है वो देखा, हाई स्कूल का पार्किंग स्थल उसको हम देखने जा रहे हैं। तो स्थल निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है और बैठक करके एक सहमति हम लोगों ने बनाया है और हम लोगों को उम्मीद है आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।